जय हिंद। नमस्कार, आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर को ही संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसकी 22वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही थी। यानी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई, इसी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा में आज एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है। यानी उसी दिन को टारगेट किया गया है जिस दिन संसद पर हमला हुआ था। यहाँ कार्रवाई के दौरान दर्शक तिरगा में दो लोग सांसदों की बेंच पर कूद गए। संसद में शून्यकाल के दौरान दोपहर करीब 1 बजे दर्शक तिरगा से दो व्यक्ति सदन में कूदे और इनमें से एक व्यक्ति मेज को फांदते हुए आगे की ओर भाग रहा था। सुरक्षा कर्मियों और कुछ सांसदों ने उसे घेर लिया। बाद में दोनों को पकड़ लिया गया। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कुछ सांसदों का कहना है कि सदन में कूदने वाले व्यक्तियों ने कुछ ऐसे पदार्थ का छिड़काव किया जिससे पूरे लोकसभा में गैस फैल गई। दोनों आरोपियों में से एक का नाम सागर है, वहीं दूसरे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये लोग स्मोक कैंडल जूतों में छिपाकर लाए थे, जो स्प्रे किया गया। उससे सुरक्षा कर्मियों को बारूद की गंध आई। सोशल मीडिया पर लोग अब तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे सुरक्षा में चूक बता रहा है तो कोई साजिश का अंदेशा बता रहा है। आगे आप वीडियो देखें किस प्रकार आज लोकसभा में अफरा तफरी मच गई और लोकसभा में एक बार फिर जो सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है, इसके लिए सरकार को आगे आके कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बिल्कुल सर, जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था, तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था, वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया, तो फिर मैंने, मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे, जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया, ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनकी सिक्योरिटी के दायरे में, स्मेल कैसी है आपको लग रहा? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल, मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं, हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे वो? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। एक मिनट दिखा दीजिए, हमारे ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से है आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर किसान छोटे व्यापारी दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती, ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी भारत। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.